गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज माई सेकेंड लेक्चर ऑन चैप्टर नेचर एंड परपज ऑफ बिजनेस क्लास इलेवेंथ सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोफेशन देखिए स्टूडेंट जैसे कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे प्रोफेशन के बारे में कि प्रोफेशन क्या होता है प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक एक एक्टिविटी है तो देखिए एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कैरिड आउट बाय पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू सर्व सोसाइटी इज कॉल्ड प्रोफेशन तो ये भी एक इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है जो कि एक इंसान कर रहे हैं कोई पर्सन कर रहे हैं जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है स्पेशलाइज स्किल्स हैं और सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रोफेशन अगेन देखिए प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो वो इंसान कर रहे हैं जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है स्किल्स है वो इसको अप्लाई कर रहे हैं और सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं उनको हम कहेंगे प्रोफेशनल वो प्रोफेशनल पेपर्स हो गए ठीक है तो अगेन प्रोफेशनल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि एक पर्सन कर रहा है या कुछ पर्सन कर रहे हैं जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है स्किल्स हैं सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और बदले में फी लेते हैं उसको हम कहते हैं प्रोफेशन अब प्रोफेशन के फीचर्स में आते हैं कि फीचर्स क्या कहते हैं प्रोफेशन के देखिए फीचर्स में से सबसे पहला फीचर क्या कहता है ध्यान सब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज फर्स्ट फीचर कह रहा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इट मीन टू से जो भी इंसान प्रोफेशन में आता है उसके पास वेल डिफाइंड नॉलेज होती है मतलब उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है स्पेशलाइज नॉलेज होती है प्रॉपर डिग्री होती है प्रॉपर डिग्री होती है जब किसी वो प्रोफेशन में आता है ठीक है प्रॉपर ट्रेनिंग ली होती है उसने जब वो किसी प्रोफेशन में आता है सो so, जब पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाता है उसके बाद प्रॉपर डिग्री होती है प्रॉपर स्पेशलाइज नॉलेज होती है प्रॉपर ट्रेनिंग ली होती है इसलिए प्रोफेशन जो होती है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है एक पूरे तरीके से डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है फर्स्ट फीचर क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज मतलब प्रोफेशन में बेटा हर एक इंसान नहीं जा सकता यहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि हर एक प्रोफेशन में जाने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको एजुकेशन ली होनी चाहिए फिर आप उस प्रोफेशन में जा सकते हो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए जैसे डॉक्टर्स होते हैं अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स कहेंगे डॉक्टर बनेंगे तो नहीं बन सकते ठीक है डॉक्टर्स हो गए लॉयर्स हो गए डॉक्टर्स हो गए लॉयर्स हो गए अगर इस प्रोफेशन में आपने जाना है तो आपको पूरी फॉर्मल एजुकेशन लेनी है ठीक है इसके रिलेटेड फिर इनका एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है जो एग्ज़ाम होगा वो क्रैक करना पड़ता है फिर डॉक्टर्स या लॉयर्स बन सकते हो तो यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है कि हर एक इंसान जो है प्रोफेशन में नहीं जा सकता तो सिंपल कह सकते हैं एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन हर एक प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्ट होती है क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके एजुकेशन के ऊपर या एग्जामिनेशन के ऊपर ठीक है अगर कोई इंसान उस प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसके पास प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपर प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग होनी चाहिए फिर वो उस प्रोफेशन में जा सकते हैं सेकेंड फीचर ये कहते हैं थर्ड फीचर क्या कहता है थर्ड फीचर कहता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस देखिए जो भी इंसान किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं उनकी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं ठीक है प्रोफेशनल बॉडीज़ बताती हैं उनको कि आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उन प्रोफेशनल बॉडीज़ से उसकी मेंबरशिप लेने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी ठीक है तभी आपको वहाँ की मेंबरशिप मिलेगी और उनके कोड ऑफ़ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे वो रूल्स रेगुलेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा तो ये प्रोफेशनल बॉडीज़ वहाँ पर होती हैं प्रोफेशन में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए होती है तो जो भी डॉक्टर होंगे उनको उनके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा इनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये डॉक्टर्स के लिए होगी इनको अपने आप को इनके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उसी तरीके से ही उसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये लॉयर्स के लिए होगी सो so, मैंने बताया इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन होती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के लिए उनके लिए उसके अकॉर्डिंग उनको क्वालिफिकेशन uh, लेनी पड़ती है फिर वो उनको मेम्बरशिप दे देते हैं वो उनके मेम्बर बन जाते हैं फिर वो उनको रेगुलेट करते हैं उनकी वर्किंग को जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बता दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया बता दिया मैंने आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हो गया वो डॉक्टर्स के लिए हो गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हो गया वो लॉयर्स के लिए हो गया या एडवोकेट के लिए हो गया ठीक है तो लॉयर्स एडवोकेट एक ही होते हैं तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट जैसे आप किसी प्रोफेशनल बॉडी से अपने आप को रजिस्टर करवाते हो तो प्रोफेशनल्स को उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बोलते हैं उनको वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं वही हमारे होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे प्रोफेशन में जो बताई गई हुई है ऑनेस्टी से काम करेंगे नॉर्म्स फॉलो करेंगे ऑनेस्टी से काम करेंगे नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं जो मेंबरशिप तो आपने ली होगी तो मेंबरशिप में आपको फिर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऑनेस्टी तो ये चीज़ भी प्रोफेशन में होती है नेक्स्ट फीचर देखिए फिफ्थ सर्विस मोटिव प्रोफेशन का मोटिव जो होता है मनी कमाना नहीं होता मनी तो कमाते हैं ये मगर अपनी सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट्स को तो ये सर्विस देते हैं क्या देते हैं सर्विस देते हैं क्लाइंट्स को फिर उसके बदले में क्या लेते हैं फी लेते हैं मगर फी मोटिव नहीं होता हैव द इकोनॉमिक एक्टिविटी मोटिव तो फी है मगर पहली ये प्रोफेन्स सर्विसेज को देते हैं तो ये अपनी सर्विसेज देकर अपने, सर्विसे दे अपने पेशेंट्स को ठीक करेंगे अगर डॉक्टर्स होंगे तो, तो बदले में क्या लेंगे फी लेंगे सो हम कह सकते हैं कि इनका मोटिव जो होता है सर वो सर्विस देना होता है प्रोफेशनल्स को फी तो लेते हैं मगर मेन मोटिव जो होता है वो सर्विस देना होता है जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी सर्विस देते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो जल्दी ठीक हो जाए ठीक है सिक्स फीचर कहता है नेचर ऑफ वर्क सो इनका नेचर क्या होता है इनका नेचर हो गया कि किस तरह काम करते हैं ये कंसिडेंसी की सर्विसेज देते होंगे ठीक है कंसिडेंसी हो गया मतलब कोई एक्सपर्ट एडवाइस देना ठीक है जैसे आप उनके पास चल जाओ लॉयर्स के पास चल जो, या एडवोकेट के पास चल जाओ तो ये कंसल्टेंसी की सर्विस देते हैं या एडवाइजरी सर्विस देते हैं तो इनका काम इस तरह का होता है एडवाइजरी सर्विस होगी इस तरह का काम होगा नेक्स्ट देखिए फीचर प्रोफेशनल फी ये बदले में क्या लेंगे फी लेंगे जो अपनी सर्विसेज देंगे उसके बदले में इनको क्या मिलेगी फी मगर फी इनका मेन मोटिव नहीं है मोटिव इनका सर्विस देना होता है ठीक है सो हम कहते हैं प्रोफेशनल चार्ज से फी फॉर प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो बदले में फी लेते हैं क्या लेते हैं फी सो इकोनॉमिक कंसिडरेशन शुड नॉट बी टेक ओवर सर्विसेज़ मतलब कि जो इनकी इकोनॉमिक कंसिडरेशन ना वो सर्विस से ऊपर नहीं होगी मतलब पहले इनकी काम जो होगा वो सर्विस होगा और मेन मोटिव इनका सर्विस होगा सर्विस होगा सेकंड मोटिव जो होगा वो फी कमाना होगा सो so, डॉक्टर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए तो फ़ी वो बाद में लेते हैं तो इस तरीके से प्रोफेशनल फी जो आगी वो इनको मिलती है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है सो so, फी मैंने बताया कि इनका मेन मोटिव नहीं है मोटिव इनका सर्विस देना होता है मगर बदले में कुछ तो कुछ लेंगे क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो बदले में ये फीलेंगे तो ये होगा बेटा आपका प्रोफेशन सो आई होप सब बच्चों को प्रोफेशन का मीनिंग और फीचर समझ आए होंगे थैंक यू स्टूडेंट्स